हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं कुछ अमेजिंग सा क्राफ्ट। जानना चाहते हो क्या करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहिएगा, आपको पता लग जाएगा आज हम क्या अमेजिंग सा क्राफ्ट करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम बनाने वाले हैं क्राफ्ट, और आपको पता है आज हम क्या बनाने वाले हैं? सोचो सोचो, आपको बता देती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं पॉप इट, यानी कि पॉपेट बनाने वाले हैं आज हम, और आपको भी दिखाने वाले हैं। अब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। चलिए देखते हैं हम पॉपेट कैसे बनाएंगे और इसका क्या क्या सामान है। चलिए देखते हैं। पॉपेट बनाने के लिए जो जो हमको सामान चाहिए वो यहाँ पर है। ये ड्राइंग शीट, इसमें से हमें पेपर चाहिए होगा, और ये पेंसिल एंड इरेजर, सीजर, और ये टेप है, और ये एक और टेप है। कोई भी आप राउंड चीज ले सकते हो, तो यहाँ पे मैंने सर्कल करने के लिए लिया है, और कुछ हमारे पास में कलर्स हैं, और इस तरीके का ये बॉक्स है, ये कार्डबोर्ड बॉक्स, इसका यूज करके हम बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम सबको साइड में करते हैं। अब इस बॉक्स को लेंगे। सबसे पहले हम अपने फिजिक्स टॉय को बनाने के लिए यहाँ पर हमने कार्डबोर्ड बॉक्स का यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ ना कुछ ड्रॉ करके रखा है। आप इसे पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो, आप चाहो तो पेपर का भी, हार्ड पेपर का भी यूज कर सकते हो, चाहो तो आप इस तरीके के कार्डबोर्ड का भी यूज कर सकते हो, बट वो हार्ड होना चाहिए थोड़ा। तो यहाँ पे भी मैंने ऑलरेडी कुछ ड्रॉ करके रखा है। यहाँ पे मैंने यूनिकॉर्न और आइसक्रीम ड्रॉ करी है। अब इन्हें हम कट कर लेंगे। तो अब मैंने सीजर की हेल्प से कट कर लेते हैं। वाह फ्रेंड्स, देखो हमने मैजिक करके इनको निकाल लिया। अब हम इनको साइड में कर देते हैं। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो अब हम इनको भी साइड में रखते हैं, और अब हम अपनी ड्राइंग बुक लेंगे, और अब हम इसे ओपन करेंगे, और अब हम इसमें क्या करेंगे। यहाँ पर मैंने एक टेप लिया है, आप कोई भी गोल ऑब्जेक्ट ले सकते हो, और अब हम पेंसिल की हेल्प से इसमें सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसी तरीके से हमको खूब सारे सर्कल्स को ड्रॉ कर लेना है। तो चलिए अब हम इसी तरीके से खूब सारे सर्कल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारे सर्कल्स ड्रॉ हो गए हैं, हमने यहाँ पे 6 सर्कल्स को ड्रॉ किया है। अब टाइम है कलरिंग टाइम, तो इनमें हम अपना कोई भी मनपसंद कलर को फिल कर देंगे। तो चलिए, आप इसमें ऑयल पेस्टल कलर्स का भी यूज कर सकते हो। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करूंगी पिंक कलर से। फ्रेंड्स, देखो हमारे सारे सर्कल्स कलर हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए हमारा टेप, और अब हमें इस टेप को सभी सर्कल पे इस तरीके से चिपकाना है, एक भी साइड छूटनी नहीं चाहिए, अच्छे से टेप को चिपकाना है। तो फ्रेंड्स, अब हमने इस पर टेप लगा लिया है, और अब हम इसे कट कर लेंगे। टन टन, हमारे सारे के सारे ये निकल चुके हैं। अब उसे साइड में कर देते हैं, और ये देखो, और इनको हमने, ये देखो, अभी आपको देखो, पहले जब हमने इनको कट करा, उसके बाद में फिर इन पे कलर करके इनको टेपिंग कर दिया, और अब हमारी ये 6 हमारे रेडी है। और अब हमें क्या करना है आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमको एक ये ले लेना है, और एक हल्का सा कट लगाना है विद द हेल्प ऑफ सीजर।
छोटा सा कट लगाएंगे। ये हमने कट लगाया और इसे ऐसे कर देंगे, इस तरीके का हो जाएगा। और यहाँ पे हमको टेप लगा देना है। फ्रेंड्स, जो हमने यहाँ पे कट किया था, अब हमें इस तरीके से क्या करना है, ये जो कट वाली साइड है इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। और उसके बाद हमें करना क्या है, हमको लेना है टेप, और टेप की हेल्प से इसे हमें स्टिच कर देना है, अच्छे से हमें चिपका देना है। ये देखिए, अच्छे से टेप लगाना है वरना ये निकल सकता है। अच्छे से चिपका देना है और फिर अब हम इसे बैक कर लेना है, और बैक साइड में भी हमको टेप लगा देना है ताकि ये निकले नहीं। और जिसमें एक्स्ट्रा टेप ही निकल रहा है इसको हमें सीजर की हेल्प से कट कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बन गया है। और फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें और भी सर्कल्स को ऐसे तरीके से बना लेना है। तो फ्रेंड्स, ये देखो हमारे सारे कंप्लीट हो गए, इनको हमने टेप अच्छे से टेपिंग लगा दिया है। और अब हम लेते हैं अपने शेप्स, और अब हम इन पे जितने भी हमको पॉपेट ये लगाने हैं हम उतने लगा देंगे। तो एक हम यहाँ पे लगाएंगे, एक हम यहाँ पे लगाएंगे, ये यहाँ पे, और ऐसे ही हम यहाँ पर भी लगा देंगे। अब हम इनमें पेंसिल की हेल्प से इनके शेप्स को ड्रॉ यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद इनको कट कर देंगे ताकि इनके शेप्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम चलिए इनके शेप्स को ड्रॉ कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम सारे शेप्स को ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए अब हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो इनका साइज है हमने इन पे ड्रॉ कर लिया है, और चलिए अब हम अपनी सीजर की हेल्प से इन्हें कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, देखो हमारे पॉपिट्स, ये जो हमारे कार्डबोर्ड्स हैं इनमें से ये सर्कल्स कट चुके हैं। फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। अब हमें अपनी लेनी है ड्राइंग शीट। तो चलिए, ये हमारी ड्राइंग शीट है। अब हमें क्या करना है, इस पे अपने शेप्स को रखना है और पेंसिल की हेल्प से यही पूरा ड्रॉ कर लेना है विद इनके सर्कल्स। और ऐसे ही हमको टू ड्रॉ करना है और उनको हमें कट भी कर लेना है। तो चलिए ड्रॉ करके उनको कट भी कर लेते हैं दोनों शेप्स के। तो फ्रेंड्स, ये देखो हमारे ये कट चुके हैं, हमने दो दो इनके ये कट कर लिए हैं, और ये देखिए इनके साइज के कट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, कलर करके डेकोरेट करेंगे। तो चलिए हम कलर करते हैं। और फ्रेंड्स, देखो कितना अच्छा कलर हुआ है ना। अब हम इन्हें साइड में रख देते हैं और अपना अगला काम करते हैं। अब हम लेंगे अपने कार्डबोर्ड वाली शेप्स और अब हम इनको इस पे लगाएंगे। तो हम इसको टेप की हेल्प से लगाएंगे और मैं आपको बताती हूँ कैसे लगाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यूनिकॉर्न पे लगाएंगे। तो ये येलो वाला हम ले रहे हैं और इसको यहाँ पे रखेंगे और क्या करेंगे, टेप लेंगे। ऐसे टेप को लगा देना है और फ्रेंड्स अच्छे से टेप को लगाना है ताकि, और ध्यान रहे अच्छे से लगाना है, वरना हमारा अच्छे से नहीं लगाएंगे तो हमारा ये जो है निकल सकता है। और इसी तरीके से वो बैक साइड में भी लगाना है टेप, बैक साइड में भी लगाएंगे। इसको इस तरीके से अंदर करना है और फिर ऐसे लगा देना है अच्छे से। फ्रेंड्स, लगाना है, ये निकलना नहीं चाहिए। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम ये सारे लगा लेंगे।
चलिए इसी तरीके से हम सारे एप्स को सारे इनको लगा लेते हैं। चलिए लगा लेते हैं। इसी तरीके से देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर हो गया है हमारा। अब हम इस पे पेपर चिपकाएंगे, ये देखिए ब्लैक बैक साइड से। और फ्रेंड्स अब हम इस पे ये पेपर को चिपकाएंगे। फ्रेंड्स अब हम इन्हें पेस्ट कर देंगे, इसके लिए हमें चाहिए ग्लू। तो चलिए अब हम इनको पेस्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम आइसक्रीम को पेस्ट करेंगे। फ्रेंड्स रेडी है हमारे पॉपिट्स और मुझे ये दोनों पॉपिट बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये देखो फ्रेंड्स ये कितने प्यारे पॉपिट्स बने हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगे आइसक्रीम एंड ये यूनिकॉर्न पॉपिट्स। और दूसरी बात ये हमने घर पे बनाए हैं और इनको घर पे बनाने में बहुत अच्छा लगा। और फ्रेंड्स इसी तरीके से मैंने ये देखो और भी पॉपिट बनाए हैं, ये देखो तो मुझे बहुत प्यारे लगे। अभी मैं आपको इनको पॉप करके भी दिखाऊंगी। ये बहुत अच्छे पॉपिट्स हैं और ये मेरा एक फर्स्ट टाइम था, ये देखो। फ्रेंड्स अब मैं आपको इनको पॉप करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं इनके नीचे कुछ रख लेती हूँ। ये देखो सबसे पहले अभी मैं इनको पॉप करूंगी। ये फ्रेंड्स मैंने फॉर्म जो ग्लिटर शीट होता है उससे बनाया है और ये इस तरीके से ये देखिए ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हम अपने इन पॉपिट्स को पॉप करते हैं। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये आइसक्रीम पॉपिट। साथ में और ये कितने क्यूट बने हैं। आप लोग भी इसे ट्राई करना है, बहुत इजीली बन जाते हैं। आप चाहो तो ऐसे 2 भी ट्राई कर सकते हो, ऐसे 4 भी ट्राई कर सकते हो, बहुत इजीली बन जाते हैं। वाह ये फ्रेंड्स कैसे लगे आपके मेरे पॉपिट्स? अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।